अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज की वीडियो में मैं आपको जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बताऊंगा। जीडीपी में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने थॉरली इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। आज मैं इन दो कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट करूंगा। जीडीपी एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जिसका मतलब है एक मुल्क के अंदर या एक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं और जितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, उन प्रोडक्ट्स की और उन सर्विसेज की वैल्यू या कीमत को अगर हम एक्यूमुलेट कर लें तो उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अंग्रेजी जबान में द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक टेरिटरी के अंदर जो पाकिस्तान, लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान की टेरिटरी में जितने भी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, जिन्हें सिटीजन्स कहा जाता है, वो जितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी सर्विसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद कोई बाहर से कंपनी पाकिस्तान में पैसा कमा रही है, कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आकर पैसा कमा रहा है, तो क्या वो भी जीडीपी में ऐड होगा? तो जी हां, वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगा। जीडीपी का ताल्लुक टेरिटरी के साथ है। एक टेरिटरी के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके एवज जो पैसा जनरेट होता है उसे एक्युमुलेट कर लिया जाए तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ताल्लुक टेरिटरी के साथ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक साल में किसी भी मुल्क के सिटीजन्स जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बाहर, वो तमाम की तमाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होती हैं। यही बुनियादी फर्क है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये देखा जाता है कि एक टेरिटरी के अंदर एक जमीन के टुकड़े में जो लोग सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक्यूमुलेट किया जाए, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ताल्लुक टेरिटरी से नहीं होता बल्कि किसी भी एक मुल्क के बाशिंदे, चाहे वो अपनी टेरिटरी में रहकर चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो बाहर के मुल्कों में चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब की सब चीजें ऐड होती हैं। इसकी मिसाल मैं देना चाहूंगा। फर्ज किया पाकिस्तान के कोई मायानाज सिंगर हैं, हम आतिफ असलम साहब को ले लेते हैं या राहत फतेह अली खान साहब को ले लेते हैं। इन दोनों में से फर्ज किया कि आतिफ असलम साहब को दुबई में ऑफर होती है एक कॉन्सर्ट की। आतिफ असलम साहब दुबई जाते हैं, वहां पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं और वहां दुबई में उस कॉन्सर्ट के इवज उनको पैसा मिलता है। अब आतिफ असलम साहब ने पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर जाकर एक कॉन्सर्ट किया, उनको बाहर जाकर पैसे मिले, वो पैसे जब पाकिस्तान वो लेके आएंगे तो वो पैसा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। यही फर्क है जीडीपी और जीएनपी में, कि जीएनपी में एक पाकिस्तानी सिटीजन, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है या बाहर जाकर वो पैसा कमा रहा है, जो बाहर जाकर वो पैसा कमा रहा है वो भी जब हम उसमें ऐड करेंगे तो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी, कि जब हम किसी मुल्क के जीडीपी में बाहर से कमाई गई इनकम को ऐड कर लेते हैं तो वो जीएनपी बन जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल इनकम। दरअसल ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट हैं अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखें, और वर्ल्ड बैंक ही डिफाइन करता है कि इन दो कॉन्सेप्ट्स में कोई फर्क नहीं है। तो आखिर में मैं कंक्लूड करता चलूं कि जीडीपी का ताल्लुक एक टेरिटरी से है जिसमें आप गुड्स को
प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसके बस जो पैसा जनरेट करते हैं उसको एक्यूमुलेट कर लिया जाए तो जीडीपी है। और जीएनपी जरूरी नहीं कि आप उस मुल्क की टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज देकर पैसा जनरेट करें, बल्कि जो उस टेरिटरी से बाहर जाकर आप पैसा कमाते हैं वो भी आपका अल्टीमेटली ऐड होता है आपके मुल्क की इकोनॉमी में जीएनपी की सूरत में। बहुत शुक्रिया।